जय हो करौली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की। बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज मैं, मेरे से कहा था कि हम कपल्स जो हैं जिनके बेबी नहीं हो रहा है उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए करके। तो जितना मैंने दरबार के इंटरव्यूज़ देखे हैं, ठीक है, इंटरव्यूज़ इन द सेंस कि जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, ठीक है, तो उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनके कोई बेबी नहीं था, कई साल हो गए थे शादी को और वो लोग पूरी तरह हार मान चुके थे और उनके कोई बेबी नहीं था, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने दरबार की पूरी प्रक्रिया की तो उनके बेबी भी हुआ और किसी किसी के तो जुड़वा भी हुए, ठीक है। तो क्या है कि जितनी मुझे बात समझ में आई, आपके अगर बेबी नहीं हो रहा है या अगर आपके कोई रिलेशन में है उनके बेबी नहीं हो रहा है, उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स करा लिए हैं, तो देखिए इन सब के पीछे, क्योंकि कमी ऐसे कहीं किसी में नहीं होती, जो है नेगेटिविटी ही मतलब अड़चन पैदा कर देती है। क्योंकि जब नेगेटिविटी के कारण कैंसर एड्स तक हो जा रहे हैं तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि गर्भाशय में बार बार गांठ बनना और बेबी पैदा नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, ठीक है। तो शरीर तो एकदम स्वस्थ हो ही जाता है दरबार से, तो जब शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है दरबार से तो आप में कोई कमी नहीं है, तो जब कमी नहीं है तो बेबी भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये तो रही पहली बात कि शरीर स्वस्थ हो जाएगा तो बेबी भी आराम से हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो नेगेटिविटी इतनी वो करके रखती है कि जब काम ही नहीं बनने देती, तो यहाँ पर तो वंश आगे बढ़ाने वाली बात है, ठीक है। तो फिर जब नेगेटिविटी जाएगी तो आपका वंश जिस भी वजह से रुक रहा है तो वो वंश भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरी आप सबको बस एक यही राय है, जिनकी भी बेबी प्लान करना चाह रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, काफ़ी टाइम भी हो चुका है, काफ़ी ट्रीटमेंट्स भी करवा लिए हैं, तो मेरा उनको सिर्फ एक सजेशन ये है, जितना मैंने देखा है कि भाई बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने दरबार की पूरी प्रोसेस की है, ठीक है, पूरी प्रोसेस की है, और मतलब अगर वनडे आप कर सकते हैं तो वनडे कीजिए, नहीं कर पा रहे तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिनके बेबी नहीं है तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगी कि वो लोग वनडे हवन करें, क्योंकि पता नहीं किस परेशानी से ये आपके जीवन में परेशानी आ रही है। क्योंकि वनडे हवन करने से क्या होता है कि बहुत विशाल ऊर्जा मिलती है, मतलब बहुत विशाल ऊर्जा, कि जो भी परेशानी होती है ना वो तुरंत गुरुजी उसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। इसलिए बाकी यदि चलिए आप आपका उसका बजट नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, आप नौ हवन कीजिए और डीएनए में ज़्यादा लोगों को मत रखना, अगर हस्बैंड वाइफ ही रहें डीएनए में तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जितनी क्योंकि ऊर्जा जितनी भी ऊर्जा तो लिमिटेड मिलेगी है ना हवन करने से, अब वो ऊर्जा आप 10 लोगों में बांट देंगे, ठीक है, 2 लोगों की बजाय आप 10 लोगों में बांट देंगे, तो यार अभी एक रोटी है, एक रोटी 2 लोगों को बांटें या फिर 10 लोगों को बांटें, तो यार इससे अच्छा है ना 2 लोगों को ही बांट दें, तो आधी आधी कम से कम थोड़ा कुछ टाइम के लिए तो भूख खत्म हो ही जाएगी ना, है ना। 10 लोगों को बांटेंगे 10 मिनट बाद फिर भूख लग जाएगी, तो ये वाली चीज़ है। तो आप ऊर्जा के खेल को समझें और नौ हवन करें, नौ हवन करने के बाद ब्लैक मैजिक और स्मृति चिकित्सा करवाने के बाद आरोग्य हवन जरूर कर लें। आरोग्य हवन करने के बाद आप गुरुजी से मिलें, ठीक है, फिर गुरुजी को अपनी परेशानी बता दें, डेफिनेटली आपको ज़रूर खुशखबरी मिलेगी, मेरा पूरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। इवन मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, मतलब मैं मैरिड नहीं हूँ अभी, ठीक है, लेकिन क्या होता था कि मैं ये जो बेबी प्लान करना होता है कि हाँ, जैसे हर लड़की इस एज में आकर के सोचती है अपनी शादी और बच्चों के बारे में, तो मेरे को ना बहुत तो डर लगता था कि नहीं, मतलब वैसे डर नहीं, लाइक मेरे को नहीं, मेरे को करना नहीं, मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगी, मतलब मैं सख्त मना कि नहीं, मैं मेरे को नहीं करना, ठीक है, ये वाली चीज़। और शादी भी कि मेरे को घर गृहस्थी में नहीं पड़ना ऐसे वैसे करके, लेकिन जब से मैंने दरबार की प्रक्रिया हुई है मेरी, ठीक है, तब से मेरी ये सोच बहुत दूर चली गई है, पता नहीं खत्म ही हो गई है, जैसे अब मेरा भी मन करता है कि हाँ आने वाले टाइम में मेरे को भी एक बच्चे को जन्म देना है, मेरे को भी माँ बनना है, मेरे को भी अपनी घर गृहस्थी बसानी है, मतलब मेरे थॉट्स में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि सुना था क्या है ही कि जो अपने बाबा हैं राधा रमन मिश्र बाबा हैं अपने, ठीक है, वो अपने बाबा क्या करते हैं कि अपने बच्चों का सबसे पहले घर गृहस्थी ही अच्छी करवाते हैं,
ठीक है, उनका गृहस्थ जीवन अच्छा करवाते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी करवाते हैं, शादी जिनकी हो गई उनके यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनकी गोद भरते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारे लोगों का देख लिया है, इवन मेरे ये थॉट्स बहुत नेगेटिव थे, जो कि थॉट्स बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मेरी बस आप लोगों को जो सजेशन मैंने दिया, आप लोग वो करें, यदि सक्षम है तो वन डे हवन की और ही जाएं, यदि सक्षम इतने नहीं है तो नौ हवन करके ब्लैक मैजिक की स्मृति चिकित्सा करके आरोग्य हवन करें, क्योंकि पता नहीं क्या परेशानी है तो उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, और यदि कहीं कोई दिक्कत परेशानी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं समझाऊंगी और अच्छे से, और यदि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ किसी भी वजह से, तो आप संडे को लाइव सेशन में जुड़ करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 12 बजे से 1 बजे तक रहता है मेरा लाइव सेशन संडे में, तो वहाँ पर आप अपना कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। बाकी मैं ईश्वरीय चिकित्सा की कुछ क्लिप्स डाल रही हूँ, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको दरबार की बातें और भी आसानी से समझ में आ सके, कि दरबार से जब हम जुड़ जाते हैं तो अपने आने वाली जीवन को और भी ज़्यादा सुखमय बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गंदगी तो हर मोड़ पर है ना, आप बाहर जाते हैं, वरना अब तो मैं बहुत ज़्यादा धाकड़ तरीके से निकलती हूँ घर से, कोई से मंदिर के आगे सर नहीं झुकाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इवन मैं पहले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, माना लाइफ में अगर एक बार के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं तो बुरी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है, तो क्या है कि आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी कि आपको वो चीज़ें जीवन भर आप उनको फॉलो करेंगे ना, जीवन भर क्या एक बार माइंड में डल जाए, ठीक है, और नेगेटिविटी दूर हो जाए तो वो दिमाग में बातें डल जाती हैं और हमेशा आप उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप दरबार किस पद्धति पर काम करता है, कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं जो कि वो दरबार की प्रक्रिया करने के बाद भी दुखी रहते हैं, उनके एक रीज़न नहीं कई सारे रीज़न हो सकते हैं, तो क्या है कि उन ईश्वरीय चिकित्सा के माध्यम से मैं वही बातें समझाती हूँ और फिर आगे गुरुजी की वो वाली लाइव चिकित्सा भी डालती हूँ, ताकि आप खुद अपने कानों से सुन भी लें और देख भी लें। ठीक है, बाकी यदि आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करना। जय बाबा की।